बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आलम यह है कि लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में शुरुआती कोहरे से जनजीवन ऐसे थम गया है, बच्चों को भी स्कूल जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अलाव मुहैया नहीं किया गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सभी ने प्रशासन से अलाव मुहैया कराने की मांग की है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ठंड का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि दो चार दिन से लगातार ठंड बढ़ने में आ रही है। और ये देखा जा रहा है कि लकड़ी मंडी भी बंद है पूरी, और भी मार्केट सब बंद पड़ी है, और जो कि वाहन है वो भी बहुत काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि ठंड का देखते हुए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये देखते हुए प्रशासन से हमारा कहना है कि जो छुट्टियाँ है, छोटे बच्चों की छुट्टियाँ कर दी जाए, क्योंकि ठंड की बहुत मार पड़ रही है। और जितने भी लोग हैं, लकड़ी मंडी में भी है, ये सब अपना अपना अलाव जला के बैठे हैं इस टाइम पर। आपको पता ही है यहाँ ठंड बढ़ रही है, आज दिन ठंड बढ़ने में ही है। यहाँ प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। रागी लोग आ रहे हैं दूर से, सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं, विजिबिलिटी बड़ी शून्य चल रही है जसपुर में भी, और यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो जिससे लोगों को अपना अपना अलाव खुद जलाना पड़ रहा है। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि आप जो है हर चौराहों पर, मुख्य बाज़ार में, मुख्य मार्गों पर अलाव की व्यवस्था करें, जिससे राहगीरों को भी परेशानी ना हो। सुभाष चौक पर भी मैं देख रहा हूँ कि परेशानी तो इस टाइम ये जो शीतलहर चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी जो थी अब वो शीतलहर के रूप में यहाँ मैदानी इलाकों में आने लगी है, और इससे जो है जनमानस पर प्रभाव पड़ा है। जैसे आवागमन ज़्यादा था, वो आवागमन भी कम हुआ है, और दुकानदारी पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है।